अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके साथ एक नई जॉब के साथ। जो आज की जॉब है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन PO बॉक्स नंबर 769 रावलपिंडी में है। 2022 की जॉब्स हैं, तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन PO बॉक्स 769 रावलपिंडी में 2022 में जो जॉब्स आई हैं वो आपके साथ मैं लेके आया हूँ। तो इसका जो है टर्म एंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। अब इसमें जो है ये पाक आर्मी जॉब्स है, एडवर्टाइजमेंट है लेटेस्ट, ठीक है। इसकी जो पोस्ट है ये 7 फरवरी को हुई है और ये पाकिस्तान में है, लोकेशन इसकी पाकिस्तान। और इंटरमीडिएट, मैट्रिक, मिडिल, प्राइमरी वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसके लिए 20 फरवरी होगी। और इसमें जो टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 10 है और कंपनी जो है वो पाक आर्मी है। और इसको जो आपने एड्रेस पर अपना डॉक्यूमेंट पोस्ट करवाने हैं वो ये हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नीचे। तो वैकेंसी जो है वो पोजीशन है, वो वैकेंसी पोजीशन जो है वो चौकीदार की है और ड्राफ्टमैन की है, क्लर्क की है, मैसवेटर की है, फोटोग्राफर की है, सैनिटरी वर्कर की है और स्किल्ड वर्कर की है। तो अब यहाँ पे अप्लाई के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि अप्लाई हमने किस तरह करना है, ठीक है। तो आपको ये जो इसकी जो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है, आपने क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, फोटोग्राफर की जो है जॉब, ठीक है, वो एक तादाद है उसके सामने की मेरिट बेस पे है और उसकी तलीमी काबिलियत मैट्रिक है, मंजूरशुदा इंस्टीट्यूट से फोटोग्राफी का डिप्लोमा किया हो, ठीक है, और 5 साल तजर्बा चाहिए है। ड्राफ्टमैन BPS जो 11 है इसकी भी एक है, ये पंजाब में है। 3 साल डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और CAD और CAM सॉफ्टवेयर इसको आना चाहिए और महारत लाजमी है इसमें। फिर आगे जो है LDC में एक जॉब है, एक वैकेंसी है, पंजाब में है, इंटरमीडिएट है और टाइपिंग स्पीड 30 मिनट है और सिलेक्शन की सूरत में 3 हफ्तों का बेसिक ITB ट्रेनिंग कोर्स बीमा MS ऑफिस का होना लाजमी है और इसमें 1 साल का तजर्बा होना लाजमी है। और फिर स्किल्ड BPS एयर फ्रेम मैकेनिक और इंजन मैकेनिक BS 4th grade की। इसमें एक एक जो जॉब है लोकल है, मिडल चाहिए तालीम, मैट्रिक साइंस से होना चाहिए और कम से कम 2nd division होनी चाहिए। और भर्ती के लिए अफराद को आजमाइशी मुद्दत जिसका दुरानिया 1 से 2 साल होगा, यानी कि 1 से 2 साल के लिए भर्ती किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ये चौकीदार की है, BPS 1 और 2 जॉब है, लोकल है और प्राइमरी बेस पर है और रिटायर्ड फौजी और इजाफी तालीम काबिल रखने वाले को तरजीह दी जाएगी इसमें। तो आगे जो है मेस वेटर की जो जॉब है, इसमें एक जॉब है, ये लोकल है, प्राइमरी बेस पे है, इजाफी तालीम व काबिलियत मुतलका काम महारत रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। दफ्तर, होटल, क्लब या मेस में अटेंडेंट का तजर्बा रखने वाले को इसमें जो है वो तरजीह दी जाएगी। और आखिर पे जो आती है सेंट्रल वर्कर, दो इसमें जॉब्स हैं, 2 वैकेंसी पोजिशन है और लोकल है और ये प्राइमरी बेस पे है, इसके लिए कोई शर्त नहीं है। अब नीचे एज की आपको बात करूं तो उम्र की हद जो उन्होंने कहा है वो 18 से 25 होनी चाहिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 45 होनी चाहिए और अकलियत ट्राइबल एरिया और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान के लिए मज़ीद 3 साल की रायत होगी। मजदूर अफराद के लिए भी 10 साल की रायत होगी। गवर्नमेंट मुलाजम जो सर्विस के दौरान फोत हो गए हों, उनकी बेवा और बच्चों के लिए मज़ीद 5 साल की रायत होगी। तो जो इसके लिए फीस है, 1 का 4 जॉब के लिए जो वो 200 रुपया है और जो 5 से 7 नंबर जॉब तक के लिए उनके लिए 100 रुपया होगा, ठीक है। और ये आपको ये इस बॉक्स पर दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करना है अपना जो ऑर्डर बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रैक कमांडेंट पोस्ट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो ये जो है सारी ये नीचे दी हुई हैं और भर्ती के लिए अफराद को कम से कम 5 साल लाजमन खिदमत सर अंजाम देना होगी। तो आज की जॉब ये थी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये आज की जो जॉब है वो ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो मज़ीद ऐसी ही जॉब्स को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट छोड़िएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब के साथ।